बाकी जितने भी मशरूबात आ रहे हैं बाहर से सारे बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब आप खाली पेट वो पीते हो उनमें केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स आपके गुर्दों को फौरी तौर पर मुतासर करते हैं। गुर्दों के इतनी बीमारियां, पहले जमाने में लाखों में कोई एक गुर्दों का मरीज मिलता था। तो अपने आप को डायलिसिस पे क्यों लाना चाह रहे हो भाई? आप देखो ना, डायलिसिस के मरीजों को जाके अस्पताल में देखो, पनाह मांगोगे अल्लाह की आप कि अल्लाह मुझे बचा ले इस अजाब से। तो ये सारे कैसे मरीज बनते चले जा रहे हैं? शुगर की बीमारी, गुर्दों की बीमारी इतनी ज्यादा आम हो गई है, उसकी बुनियादी वजह ये जो मशरूबात हैं बाजार के डब्बे जो दूध के आप पी रहे हैं ना, दूध के नाम पे जो मजाक पिलाया जा रहा है आपको, ये छोड़ दें, ये दूध नहीं है। ये जो खुशनुमा पैकिंग में दूध आ रहे हैं, ये सफेद रंग की कोई चीज है, ये दूध नहीं है। इसका किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लें, ये दूध नहीं है। दूध वो होती है जो भैंस देती है और ये कंपनियां देती हैं। तो कंपनी दूध दे सकती है कभी? कुरान में आता है कि चौपाए को तुम चारा खिलाते हो उससे दूध निकलता है, कहीं भी नहीं है कि तुम कंपनी को पैसे देते हो उससे दूध निकलता है, कुरान में तो कहीं भी नहीं है। दूध कहां से आता है? अब ये पहली जमात के बच्चों के सवाल है, बताओ दूध कहां से आता है? गाय से आता है या कंपनी से आता है? गाय दूध देती है, हिंदू इसीलिए तो गाय की इबादत करते हैं कि वो दूध देती है। हिंदू को कभी देखा कि नेस्ले कंपनी की इबादत करते हो, या मिल्क पैक की इबादत करते हो, या मिल्क टियर की इबादत करते हो? इतनी सेंस तो हिंदुओं में भी है कि इबादत किसी करनी है, यानी उनके लिहाज से जो सेंस है किसकी इबादत करनी है? गाय की। और हम क्या कर रहे हैं, हिंदुओं को मजबूर कर रहे हैं कि वो किसकी इबादत शुरू कर दें? कंपनियों की इबादत शुरू कर दें। तो दूध गाय देती है, गाय से दूध निकालो या जिसने निकाला हुआ है उससे जाके खरीदो, उसमें जरासीम अगर है तो कोई मसला नहीं है, वो जरासीम वाला इस बगैर जरासीम से बेहतर है। जरासीम भी उसमें इसीलिए आ रहे हैं कि वो दूध है, जरासीम को भी पता है कि ये क्या है, दूध है। और ये जो डब्बों के दूध है इनको खोल के रख दो, इसको जरासीम भी लिफ्ट नहीं कराते। तो जिस चीज को जरासीम भी लिफ्ट ना करा रहे हो उसको आप क्यों पी रहे हो भाई? तो ये सारी चीजें खा खा के लोगों के गुर्दों का बेड़ा गर्क हो गया, शुगर के मरीज बनते चले जा रहे हैं, तोंदे निकलती चली जा रही हैं, जिस्म ढलकते चले जा रहे हैं, चेहरों की रौनकें खत्म हो रही हैं, फिर भी पी रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं।